नहीं तो अदरवाइज मैं आपको लिंक भेज देता उसी का। जी शुरू करें जी। मूड की बात है, नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे ओके यार लेक्चर तो आ गया ना, अब जिंदगी की अभी छोड़ो, अभी क्या जरूरत है, जब जरूरत पड़ेगी तो तब पढ़ेंगे। हाँ हो सकता है कि मैं प्राइवेट कर दूँ, प्राइवेट समझते हैं ना क्या होता है कि जिनको शेयर करना चाहूँगा सिर्फ वही देख सकेंगे, अगर ईमेल्स के थ्रू शेयरिंग करवा दूँ कि जिन जिनके ईमेल ऐड करूँ सिर्फ वही देखें, लेकिन आप इनको रोज़ाना देखो ना। ठीक है अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो उस दिन हम काम कर रहे थे और नेट की वजह से हमें तो थोड़ा सा इशू हो रहा था, होस्टिंग, सब डोमेन बनाना, सब डोमेन में अपनी वेबसाइट को अपलोड करना। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट लाइव हो गई, जो भी वेबसाइट है हमारी लाइव हो गई, उसके बाद अपनी वेबसाइट को गूगल पर सबमिट करवाना, यानी कि गूगल से अप्रूव करवाना, और साइट मैप बनाना और साइट मैप को भी अप्रूव वाली जगह पर अपलोड करना, और इसको हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल, यानी कि ये हमारा टॉपिक है जो हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कहाँ से, ये मैंने अपनी होस्टिंग ओपन कर ली है। ठीक है जो पहले भी हम लोग ओपन करने लगे हुए थे, कल भी तो इशू आ जाता था, बार बार बंद हो जाती थी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सब डोमेन बनानी है। ठीक है ये कहाँ पर मैं आ चुका हूँ, सी पैनल में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई वेबसाइट लाइव करनी है तो लाजमी बात है आपके पास कोई डोमेन होगी, और उस डोमेन के अंदर ही सब डोमेन बनेगी, और सब डोमेन की ऑप्शन भी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखें 3 of 5, इसका क्या मतलब है कि आपके पास तो टोटल 5 सब डोमेन बनाने की ऑप्शन है, और आपने 3 अभी तक बना ली हुई है। ठीक है सो इसका मतलब है कि अभी मैं 2 और बना सकता हूँ। तो अब हम यहाँ से सब डोमेन पे जाते हैं, सब डोमेन कहाँ मिलेगी आपको, डोमेन्स के सेक्शन में मिलेगी। हाँ जी आप मुझसे बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहां से सब डोमेन पे आ जाएं, आ गए बिल्कुल उसी तरह जैसे फोल्डर बनाते हैं। स्क्रीन का कलर सही नहीं है, ओके इसी के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, करीब आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपको। ठीक है मैंने कहा इसी कलर के साथ गुजारा करना पड़ेगा आपको स्क्रीन पे। नीचे नेट नहीं था चलता, तो मैंने उनसे खुद कहा था कि कोई ऐसा रूम दें जहाँ पर इंटरनेट चलता हो। ठीक है सो यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, तो जिनको दूर से सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा वो अगली चेयर्स पर आ जाएं। ठीक है जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं वहाँ से आपका गुजारा हो रहा है, फाइन नहीं हो रहा तो आगे आ जाएं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि नहीं हो रहा तो भी बैठे रहना, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर तो घर बैठे रहें, यहाँ आने का क्या फ़ायदा है। अगर आपको नहीं सही दिख रहा तो फिर इधर आएँ, करीब आ जाएँ। ठीक है हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सब डोमेन। अब मैं आपको समझाने के लिए एक सब डोमेन बनाने लगा हूँ। हाँ नजीब एंड सन्स के नाम से मैं एक सब डोमेन बना रहा हूँ। सबको पता है ना सब डोमेन्स क्या होती है, कब दोबारा बताना पड़ेगा मुझे, समझा दिया हुआ ना सब डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन के अंदर जो डोमेन बनाई होती है और वो फ्री डोमेन्स होती हैं, वो हमें सब डोमेन्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या बाय करते हैं, डोमेन बाय करते हैं, तो उसके पैकेज में ही हमें कुछ सब डोमेन्स मिल जाती हैं। जी मैंने यहाँ पर लिख दिया जी नजीब एंड सन्स, और ये कहाँ बन रही है, किस जगह पे बन रही है, इसाकाई हॉस्पिटल में, यानी बेसिकली मेन वेबसाइट कौन सी है, isakai.com, उसके अंदर सब डोमेन बनने जा रही है। तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या बनेगा, najeebandsons.isakaihospital.com, ऐसे ही है ना। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, डॉक्यूमेंट रूट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो वेबसाइट लोड होगी अपलोड होगी वो कहाँ होगी, इस फोल्डर में अपलोड होगी, यानी मैंने अपनी वेबसाइट को कहां पर अपलोड करना है, इस जगह पे। ये चीजें मतलब खुद बता दी है, मैंने सिर्फ क्या बताया उसको, अपनी सब डोमेन का नाम। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी तक यहां पर लिस्ट में देखें यहां नहीं आ रही है ना, सो मैं क्रिएट का बटन प्रेस कर देता हूं। हमने डोमेन परचेज की हुई है ना, अगर मैंने ये सब कुछ करना है तो पहले मुझे डोमेन बाय करनी पड़ेगी। ठीक है बेसिकली मैं उसी डोमेन, जिस डोमेन को मैंने इस होस्टिंग से अटैच किया हुआ है, सारा काम उसी के साथ हो रहा है। हाँ सब डोमेन मेरी मर्जी है, मैंने कहा सब डोमेन मेरी चॉइस है, और बेसिकली हम करते भी क्या है ऑप्टिमाइजर्स की। जी जी बिल्कुल, ये सब डोमेन्स का तो मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना मेरा मेन फोल्डर है होम का एक विंडो में, तो मैं कहता हूँ
विंडोज के अंदर तीन फोल्डर और बनाए तो विंडो के फोल्डर का नाम तो सेम रहेगा ना, अंदर वाले फोल्डर जो मर्जी रख लें आप, उन फोल्डर्स के नाम जो मर्जी रखें। जी ठीक हो गया। आपकी क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है? सॉरी लैब है। अच्छा आपने लैब करनी है यहाँ पे। ओके जी गो बैक करें, जरा चेक करें सब डोमेन बन गई है। नजीब एंड सन्स के नाम से बन गई। अब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने सब डोमेन बना ली तो मेरी वेबसाइट लाइव हो गई होगी, ऐसी लग रहा है ना। सो हम करके देखें जरा वेबसाइट लाइव हुई है कि नहीं हुई है। मैं लिखता हूँ नजीब एंड सन्स डॉट इसाक आई हॉस्पिटल, यही है ना, यही नाम है हमारी वेबसाइट का। एंटर जी, ये देखें ऑलरेडी इस पर एक वेबसाइट मैंने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाई थी वो लगाई थी ना, तो वो आ रही है अभी हमारे पास। एक मिनट ठहर जाए, इसलिए आना चाहिए, मैंने इसे रिमूव किया अभी। कंट्रोल सी, जी यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो विंडो है, इसको यूज करते होते हैं। प्राइवेट विंडो है ना ये प्राइवेट विंडो होती है गूगल क्रोम की, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये कैश मेमोरी में सेव नहीं हो रहा होता, जो कुछ भी होता है हिस्ट्री में नहीं बन रही होती इसकी। इस पर आया हूँ मैं जरा, और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अभी तक तो यहाँ पर पड़ी हुई है, इसलिए कि डाटा हमारा पड़ा हुआ था। इधर आए जरा, ये भी आपको मैं समझाता हूँ, फिर हम नया काम करेंगे ताकि आपको सारा समझ में आए। इधर आइए, यहाँ से वापस चले जाएं, यानी कि हमने डोमेन तो बना ली। अच्छा अब अगला प्रोसेस क्या है हमारा? अगला प्रोसेस ये है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? फाइल मैनेजर में जाएंगे। फिर कहाँ जाना चाहिए हमें? क्यों? इसलिए कि जो सब डोमेन बन रही थी वो हमें बता रहा था कि सारी डोमेन मैंने पब्लिक में बनानी है। अब हमारी कौन सी थी? ये वाली नजीब एंड सेंस थी ना, तो ये मैं सारा डाटा इसको फिलहाल पिक करता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट ऑल और डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। जी अब जरा इसको चलाएं। देखें क्या हुआ है, यानी सब डोमेन अभी भी मौजूद है, सब डोमेन मौजूद है, सब डोमेन में कोई वेबसाइट नहीं है, ऐसी है ना। यानी पहला स्टेप क्या था? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? पहला स्टेप क्या था? सब डोमेन बनाना। मैंने कहा पहला स्टेप क्या था? सब डोमेन बनाना। सब डोमेन बन चुकी हुई है, अब हमने क्या करना है? अपनी वेबसाइट को लाइव करना है वहां पे। यानी कि बेसिकली जो वेबसाइट आप लोकल काम कर रहे हो, जो आपके लैपटॉप पे पड़ी हुई है, जो आपके डेस्कटॉप पीसी पे पड़ी है, उसको अब हमने अपलोड करना है। यहाँ पे फोल्डर बन गया था, अभी हमने देखा फोल्डर बना हुआ था, उसमें मैंने पहले से कोई वेबसाइट भी रखी थी, वो आ गई, अब मैंने रिमूव की तो निकल गई। अच्छा अब हम इसको एग्जाम्पल कैसे करते हैं समझने के लिए, इसकी एग्जाम्पल हम यूँ करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर वेबसाइट को अपलोड करना है, ऐसे ही है ना, सबको समझ आ रहा है वेबसाइट को अपलोड करना है। अब यहाँ पर वेबसाइट जब हम देखते हैं, आपके पास जो वेबसाइट पड़ी है वो तो नंबर ऑफ फोल्डर्स और नंबर ऑफ फाइल्स पर है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं उसमें, बहुत सारी फाइल्स हैं, अब एक एक को तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो आपने जब भी वेबसाइट अपलोड करनी होगी तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने किया था, आपको क्या दिया था मैंने वेबसाइट की सूरत में, क्या दिया था, क्या चीज मिली थी जो वेबसाइट खोली थी अगर जाके, एक फाइल, एक जिप फाइल भेजी थी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को जिप करके अपलोड करना है और यहाँ आकर उसको अनजिप करना है, समझ आई बात। यानी आपने अपने वेबसाइट के फोल्डर को पहले जिप करना है, जब आपको लगेगा कि आपका काम कंप्लीट हो चुका होगा पहले आप क्या करेंगे, उसे जिप करेंगे, जब वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पर फिर उसे अनजिप करेंगे और फिर बेशक जिप की फाइल को रिमूव कर लें। यानी कि वो तो हमने सिर्फ प्रोजेक्ट को लाने के लिए किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रोजेक्ट लेकर आना है पहले और यहाँ पर क्या करना है हमने, क्या करना है हमने,
अपलोड करने हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करने हैं, और बेसिकली अपलोड क्या करने हैं, जिप फाइल, जो मेरे प्रोजेक्ट की जिप फाइल, यानी आपने जो वेबसाइट बनाई है, आपको लग रहा है मेरी वेबसाइट पूरी हो गई है, अब आपने क्या करना है, उसको जिप कर देना, जिप करने के बाद उसने यहाँ पर उसने उसको अपलोड करने हैं, अब देखते हैं जरा कैसे करना है, इस पर क्लिक करो जी, ये क्या लिखा है, अब प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, मैं वहां चला जाता हूं जहां पे पड़ा हुआ जो मैं आपको सैंपल समझाने लगा हूं, जी प्रोफेशनल किचन, ये वही प्रोजेक्ट है जो आपको दिया हुआ मैंने, अभी देखे मैंने इसको ऑलरेडी जिप करके रखा हुआ है यहां पे, ऑलरेडी जिप किया हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आपको लग रहा है आपकी वेबसाइट पूरी हो चुकी हुई है, अब आपने क्या करना है उसे जिप कर लेना है, ठीक है, बेसिकली मेरी वेबसाइट कहाँ है, ये है, कितने सारे फोल्डर हैं, क्या क्या अपलोड करूँगा, हाँ एक एक करके करना पड़ेगा ना सब कुछ, तो मैंने क्या किया इसको जिप कर दिया और जिप फाइल को मैंने अपलोड कर दिया, ये अपलोड होना शुरू हो गई, अभी जैसे ही इसकी अपलोड कंप्लीट होगी उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अनजिप कर दूंगा, जब मैं इसे अनजिप करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट यहां पे खुल जाएगा, यानी मेरी वेबसाइट की सारी फाइलें यहां पे खुल जाएंगी, अभी तो ये जिप फाइल है, जिप फाइल से वेबसाइट तो नहीं चल सकती ना, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए वर्ड में और एक्सेल में और आप उसे जिप करके किसी को दे दें और उसके पास अनजिप का कोई सॉफ्टवेयर ही ना हो तो क्या वो आपका डॉक्यूमेंट खोल सकता है, नहीं खोल सकता, उसे अनजिप करेगा तो खोलेगा, वेबसाइट पे भी मैं सिर्फ जिप क्यों यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है, सिर्फ कट्ठा यहाँ पर पहुंच जाए, जब यहाँ पहुंच गया तो अब उसको अनजिप करना है मुझे, ठीक है, अब जैसे ही फिर मैं इसको अनजिप करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी, अब इसको मैं होने देता हूँ, 70% जो रह गया, बेसिकली सब डोमेन में या मेन डोमेन में होगी तो वेबसाइट ही ना जी, सब डोमेन हो या डोमेन हो फर्क क्या है, बेसिकली डोमेन आपका मेन नाम है जो आपने बाय कर लिया ऑनलाइन, सब डोमेन क्या है कि आपके पास एक ही डोमेन थी, देखिए हम सब डोमेन परचेज नहीं करते हैं, हम क्या परचेज करते हैं, डोमेन परचेज करते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पर भी देख रहे होते हो, कई लोग कह रहे थे नहीं फ्री डोमेन हमसे ले लो, तो बेसिकली क्या किया होता है उन्होंने, अपनी डोमेन के अंदर आपको सब डोमेन दी होती है, क्योंकि जब भी आप इस डोमेन बाय करते हो तो सब डोमेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलती हैं, कितनी मिलती हैं डिपेंड्स ऑन योर पैकेज कि आपने कितने पैसे खर्च के डोमेन बाय की हुई है, ठीक है, मतलब मैंने 4000 का पैकेज लिया तो हो सकता है वो कह रहा हो 2 सब डोमेन है, मैंने 8000 वाला पैकेज लिया तो कह रहा हो 6-7 सब डोमेन है, मैंने 20000 वाला पैकेज लिया तो कह अनलिमिटेड सब डोमेन है भाई जितनी मर्जी बनाओ, तो बेसिकली चाहे डोमेन है या सब डोमेन है कर क्या रहे हैं हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर हमारी वेबसाइट खुले, लेकिन अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब डोमेन में जो वेबसाइट पड़ी हो और डोमेन में वेबसाइट पड़ी हो तो देखने वालों के लिए अथॉरिटी किस वेबसाइट की ज्यादा होगी, जो डोमेन में होगी, लेकिन एज ए SEO ऑप्टिमाइजर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हमारे जो क्लाइंट है उनकी एक वेबसाइट तो डोमेन है अपनी, उसके बाद उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको बेहतर ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने उनकी 6 सब डोमेन बना दी, इसका मतलब क्या हुआ 6 कीवर्ड्स हैंडल हो गए, उनकी डोमेन में नहीं उनकी सब डोमेन में चला जाएगा उस कीवर्ड के साथ, ठीक है, अब उधर से मैं ट्रैफिक को भेज दूंगा उनकी मेन डोमेन के ऊपर, तो बेसिकली फायदा हमें क्या हो रहा है, मतलब एक ही साइट के ऊपर 10 कीवर्ड लगाना या 6-7 वेबसाइट पर एक एक कीवर्ड लगाना तो ज्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज हो जाएंगे वो वाली साइट्स, लेकिन करूंगा मैं क्या करूंगा मैं यही कि भाई उधर से भी ट्रैफिक मेरे पर ही है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 6-7 कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर लिए तो मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे से नीचे ही चला जाएगा ना, ऊपर पहली साइड मेरी डोमेन आ रही होगी नीचे मेरी सब डोमेन आ रही होगी या ऊपर मेरी सब डोमेन आ रही होगी नीचे मेरी ही डोमेन आ रही होगी तो मेरी चीजें ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगी लोगों को। हाँ जी, ग्रीन बटन का क्या मतलब है, अपलोड कंप्लीट हो गई है, अब मैं इधर से वापस इस पे आता हूँ जी, हो गया अपलोड, यही अपलोड किया है ना हमने, अब हमने क्या करना है इसको जी, इसको यहां पर
अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं जी, ये लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट जी, क्या लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल्स क्लोज जी, हो गया एक्सट्रैक्ट, सिंपल एक्सट्रैक्ट का बटन दबाया। और इसके लिए एक्सट्रैक्ट का जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बिल्ट इन है, अगर आपको दिखे ना तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे जी, वापस जाए पब्लिक एचटीएमएल में। और ये सारा काम मैं कहां पे कर रहा हूं इस वक्त, लाइव काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है, तो इसको आपने यहां पर अच्छी तरह समझ लेना है, इसलिए कि ये काम आप जब तक आपके पास डोमेन नहीं होगी, अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा, उस वक्त तक ये एक्सरसाइज तो नहीं आप कर सकते, ठीक है। हाँ अभी पहले लगाते हैं फिर डिलीट भी करेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा ना मैंने उसे खाली किया ना, मैंने सब डोमेन बनाई हुई थी उसके अंदर से डाटा रिमूव कर दिया, तो सब डोमेन कुछ भी नहीं खोल रहा। अच्छा अब इसका काम तो कोई नहीं रहा ना मेरा 3.51 MB वाले का, क्योंकि मैंने वेबसाइट खोल लिया, ये देखें आ गई है यहाँ पे, तो मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँ, ये ले मैंने डिलीट किया ठीक। अभी से खोलें जरा, अभी चेक करें वेबसाइट खुल रही है, देखते हैं जरा, अभी भी सेम वही स्टेटस है। हाँ क्यों है वो स्टेटस, इसलिए है कि आपकी वेबसाइट कौन सी फाइल से खुलती है, इंडेक्स, इंडेक्स से खुलती है ना, ये पढ़ा था ना, इंडेक्स की फाइल तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रही, क्या आ रही है वो एक सब फोल्डर में पड़ी हुई है, ऐसी है मेल पे तो नहीं पड़ी हुई, सब फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मैं वापस आता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसे सब फोल्डर में से निकाल कर मेन पे लाना है, इसे डबल क्लिक करें, और सिर्फ उसे ही नहीं लाना, पूरा प्रोजेक्ट आपने देखा जब हमने इसको अनजिप किया तो उसने उसे कहां पर अनजिप किया, एक फोल्डर के अंदर। तो अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, उसे फोल्डर से बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर कैसे निकाल रहा हूं, मैंने फोल्डर खोला और उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल किया, उसके बाद मैंने क्या किया, मूव, मूव करना चाह रहा हूं ना, एक सब फोल्डर से मूव करके मेन पे ला रहा हूं जी। अब इस लाइन को पढ़ लें, देखें क्या कह रहा है, पब्लिक एचटीएमएल नजीब एंड सन्स प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऐसे ही है, हमें इसे कहां पे रखना है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के फोल्डर में नहीं रखना बल्कि नजीब एंड सन्स के फोल्डर में रखना था, वही है ना हमारी सब डोमेन, तो आपकी वेबसाइट आपके सब डोमेन वाले फोल्डर में होनी चाहिए, जबकि ये कहां पर है इस वक्त, उसके आगे वाले एक फोल्डर में है। तो मैं इधर से ये हटा देता हूँ, ये हटा दूं मैं यहां से, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे हटाना है आपने बस। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंड नजीब एंड सन्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी मैंने सिलेक्ट किया है वो सब मूव होके कहां जाने लगा है, नजीब एंड सन्स में, और नजीब एंड सन्स ही मेरी सब डोमेन है, तो अब जब मैं सब डोमेन का नाम लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट को चलना चाहिए, और ये लाइव वेबसाइट चल रही है, ठीक है ना, ये किसी कंप्यूटर से नहीं चलेगी। चलो अब इसको रिफ्रेश करें तो ये चलेगा, चल गई वेबसाइट, अब ये लाइव हो गई है, यानी अगर मैं इसको रिमूव नहीं करता तो आप लोग घर में जाकर भी ये लिखेंगे तो ये वेबसाइट चल रही है। ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया, क्या प्रोसीजर बताया, कि वेबसाइट को किस तरह से हम किसी भी सब डोमेन में अपलोड करते हैं, और अगर मैं कहूँ ये सब डोमेन नहीं थी मेरी मेन डोमेन थी तो कोई प्रोसीजर चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ मुझे सब डोमेन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी, सीधा सीधा मैंने क्या करना है पब्लिक एचटीएमएल में जाकर अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देना है, और फिर मैंने सिर्फ मेन वेबसाइट का ही नाम लिखना है, मतलब जब मैं इसहाक अली हॉस्पिटल लिखता हूँ तो बेसिकली पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही इनकी वेबसाइट भी पड़ी हुई है। ये देखें जरा यहाँ पर कुछ और भी पड़ा हुआ है, एक स्टेप पीछे चले देखें कितना कुछ है यहाँ पे, नजीब सॉल्यूशंस भी पड़ी है, स्टार्स अकेडमी लाहौर भी पड़ी है, अलामा शफात रसूल, कितना कुछ पड़ा हुआ है, ये सारी वेबसाइट यहाँ से रन हो रही है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था अगर आपको याद हो, कि डोमेन नेम हमें परचेज करना पड़ता है अलहदा, नहीं पढ़ा था, सुनाया था ना मैंने आपको, सही कहानी सुनाई थी जो, कि भाई एक डोमेन नेम परचेज करो और एक होस्टिंग परचेज करो,
और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी डोमेन को उस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप जब डोमेन का नाम लिखते हैं तो जो आपने होस्टिंग उससे कनेक्ट की होती है वो वहां से डाटा पिक करके आपकी वेबसाइट को चला देता है। तो जब हम होस्टिंग के पैकेज परचेज करते हैं तो हमारे पैकेज पे यानी हम जितनी पेमेंट दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो हमें उस होस्टिंग में एक डोमेन की फैसिलिटी देगा या एक से ज्यादा की होस्टिंग में डोमेन नहीं मिलती। मैंने नहीं कहा ऐसे कहा मैंने ये जुमला बोला है कि होस्टिंग के साथ डोमेन मिलती है। कनेक्ट करना और मिलना तो अलग बात है ना। कनेक्ट करने की बात की है मैंने कहा उसको हमने उसके साथ कनेक्ट करना है। दोनों चीजें अलग अलग मिल रही है। होस्टिंग हम अलग परचेज कर रहे हैं ठीक है ना और डोमेन हम अलग परचेज कर रहे हैं और बाद में हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये वाली डोमेन जो है इसने इस होस्टिंग से डाटा पिक करना है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली तो हमें दोनों चीजें परचेज करनी पड़ी ना। पैसे तो दोनों के देने पड़े लेकिन जब मैंने होस्टिंग का पैकेट परचेज किया मतलब मैंने एक होस्टिंग का पैकेट परचेज किया उन्होंने कहा ये इतने पैसों का है और इसके साथ आप दो डोमेन लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दो वेबसाइट अटैच कर लूंगा उसे ठीक है ना। दो नाम है वेबसाइट्स के लेकिन होस्टिंग एक ही है। एक पैकेज मैंने बाय किया उन्होंने कहा जी अब थोड़े से पैसे आप इसमें ज्यादा कर दे तो मैं इसमें चार डोमेन ऐड कर दूंगा। मैं सब डोमेन की बात नहीं कर रहा डोमेन की बात कर रहा हूँ मेन डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं उसके साथ चार डोमेन ऐड करने जा रहा हूँ। ये पैकेज पे डिपेंड करता है ना मतलब मैंने जो परचेज किया मैंने कहा भाई 3000 रुपए वाली मुझे होस्टिंग दो फॉर एग्जाम्पल तो उन्होंने कहा भाई ये जो 3000 की होस्टिंग है ना इसके साथ आप एक डोमेन लगा सकते हैं और चार सब डोमेन लगा सकते हैं। मैंने कहा यूं करें कोई और इससे बेहतर पैकेज बता दें। उसने कहा जी 4000 रुपये वाला ले लें उसमें आप एक डोमेन लगा सकते हैं और सात सब डोमेन लगा सकते हैं मतलब और बेहतर करते हैं। उन्होंने कहा 10000 रुपये वाला पैकेज ले लें तो क्या होता जा रहा है हो सकता है आप 10000 वाले में वो कहें कि आपकी डोमेन भी बढ़ गई और सब डोमेन मतलब डिपेंड्स ऑन पेमेंट कि हम कौन सा पैकेज ले रहे हैं ठीक है। और जब आप होस्टिंग लेते हैं अभी आप देखें सी पैनल में आकर देखते हैं यहाँ पर क्या मिला हुआ है हमें गुड़ नहीं डालना पैसे डालने हैं ठीक है सिर्फ गुड़ से काम नहीं चलेगा। ये देखें अब अगर हम इसको देखें पढ़ लें क्या लिखा हुआ आ रहा है सब डोमेन्स। अब ये वाला जो पैकेज इस वक्त खुला हुआ है इसमें 5 सब डोमेन की ऑप्शन है और इनमें से 4 में लगा चुका हूँ ठीक है। ये बताने लगा अगले दूसरे में उसने क्या कहा एड एंड डोमेन। एड एंड डोमेन क्या है मैडम क्या है जी जैसे आप लोग एक सॉल्यूशन से ग्राफिक्स का कोर्स लें ठीक है तो उसके साथ आपको एडन भी कुछ मिल जाएगा भाई 7 महीने तक सीखो मुफ्त में उसके पैसे भी नहीं लेंगे तो डैट इज कॉल्ड एडन ठीक है। यानी कि फ्री में साथ कुछ चीज़ मिल रही है आपको। उसने कहा कि आपने इतने पैसे लगाए हैं 10-12 हज़ार रुपये की मुझसे होस्टिंग बाय की है तो मैं आपको एक फैसिलिटी और दे रहा हूँ। कितनी दे रहा था 5। इसका मतलब ये है कि इसके साथ 5 डोमेन्स एक्स्ट्रा सब डोमेन की बात नहीं कर रहा सब डोमेन तो ऊपर आ गई ना बात 5 डोमेन एक्स्ट्रा लगाई जा सकती है। 5 डोमेन एक्स्ट्रा लगाने का मतलब क्या है कि मेरे पास 5 क्लाइंट्स हैं उन 5ों क्लाइंट्स की अलग अलग वेबसाइट है तो उन्होंने होस्टिंग भी परचेज करनी है और उन्होंने डोमेन भी परचेज की सब डोमेन नहीं डोमेन मैंने कहा उन्होंने डोमेन भी परचेज कर ली है और उन्होंने होस्टिंग भी परचेज कर ली ठीक है। लेकिन मेरे पास एक होस्टिंग मौजूद है जिसमें 5 सब डोमेन मैं डोमेन के साथ लगा सकता हूँ तो मैं उन्हें होस्टिंग सेल कर सकता हूँ कि नहीं आपके कार में कर सकता हूँ ना। मैं उनसे कहूँगा भाई डोमेन की पेमेंट आप कर दो होस्टिंग की इतनी पेमेंट करनी है या मैं ये भी कह सकता हूँ कि होस्टिंग मेरी तरफ से फ्री आपको क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी होस्टिंग मौजूद है सिर्फ डोमेन की पेमेंट करेंगे। मतलब डोमेन खरीदूंगा तो अलग पैसे दूंगा होस्टिंग खरीदूंगा तो अलग पैसे। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक ऐसा पैकेज हो जिसमें पहले से मेरे पास इतनी सारी होस्टिंग मौजूद हो कि मैं को मेरा स्पेस तो है भाई इसके अंदर मैंने 4 वेबसाइट बनानी है तो मैं किसी को ये फेवर कर सकता हूँ कि भाई मुझसे वेबसाइट बनवा लो होस्टिंग फ्री आपको क्योंकि मेरे पास होस्टिंग पहले से ही मौजूद है मुझे पैसे उस पर मेरे फायदा फायदा से क्लास के बाद पूछिएगा ना ठीक है सर इसलिए दे रहे हैं कि हम उससे दूसरा बिजनेस ले रहे हैं
बिजनेस ले रहे हैं ना, चाहे ना सर भाई मुझसे वेबसाइट बनवा लो, मुझसे एसईओ करवा लो, ठीक है, तो होस्टिंग फ्री मिल जाएगी। इन फायदों तक अब आपको खुद पहुंच रहे हैं, हम आगे बढ़े हैं। जैसे ऑफर मिलते हैं, हाँ जी ऑफर है ना, इस लाइक आपको यहाँ भी ऑफर मिली होगी कोई कि ये कोर्स करो तो इसके साथ ये वाला कोर्स इतना डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब इसमें इतने पैसे छूट जाएंगे आपके। बिल्कुल देखें, अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके साथ एडेंस लगी हमें, इसका मतलब ये हुआ कि इसहाक आई हॉस्पिटल एडिन में शामिल नहीं है, इसहाक आई हॉस्पिटल वो इसका हिस्सा है ऑलरेडी। एडिन का मतलब है कि एक्स्ट्रा 5 डोमेन और कोई लग सकती है। अभी आपको मैंने बताया nidhisolutions.com के साथ लगी हुई है, वो मेन डोमेन है, उसकी होस्टिंग परचेज नहीं की। मैं कह उसकी होस्टिंग परचेज नहीं की, उसने इसके साथ ही लगा दिया, एक अलामा शफात रसूल के नाम से है, देखिए ही रहना कि उसकी भी होस्टिंग परचेज नहीं की, उसको भी इसके साथ ही लगा दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, कितनी सारी होस्टिंग है जो हमें परचेज करनी नहीं पड़ रही, लेकिन ये वाली जो होस्टिंग है मेरा ख्याल है ये 12-13 हज़ार रुपये की होस्टिंग है साल की, यानी इसकी जो हम फीस दे रहे हैं वो साल की कितनी दे रहे हैं, 12,000 रुपया या 13,000 रुपया, इसकी इतनी फीस मिल जा रही है, ठीक है, मतलब हम दे रहे हैं उसके बाद हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, तो हो सकता है मुझे ये वाला पैकेज 3,000 में मिल जाए, 4,000 में मिल जाए, जिसमें डोमेन भी हो या 6,000 रुपये में मिल जाए, डोमेन भी हो और एक होस्टिंग हो, लेकिन उसमें फिर डबल होस्टिंग की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब जब बात को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमने कह दिया अटैच हो जाती है, कैसे अटैच होती है, ठीक है ना। दूसरा सवाल तो ये ना कि अटैच कैसे करेंगे, मतलब मैंने एक डोमेन परचेज की हुई है, देखिएगा जरा, जी एक स्टेप पीछे आ जाए जहां से मैंने शुरू किया था। ये देखें जरा यहां पर स्क्रीन पे देखें क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, सर्विसेज क्या है, सर्विसेज होस्टिंग है और डोमेन्स क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास टोटल 9 डोमेन्स हैं। अब ये जो डोमेन्स है ये मैंने अलहदा परचेज की हुई है, यानी ये डोमेन की मुझे साल की अलहदा फीस देनी है, होस्टिंग की मुझे साल की अलहदा फीस देनी है, ठीक है, दोनों की। एडिंग का क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास एक होस्टिंग मौजूद है तो मुझे हर साल इन 9 डोमेन्स के लिए होस्टिंग की सिलेक्ट पेमेंट नहीं करनी है। मेरे पास एक होस्टिंग है, सपोज उसमें 9 एडिन डोमेन्स की ऑप्शन उसने दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 9 की 9 डोमेन्स की एक होस्टिंग चल जाएगी, ठीक है। अब ये होगा कैसे, मैं कह ये होगा किस तरह, ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है जी। इस पे क्लिक करें, डोमेन्स पे क्लिक करते हैं, देखना है अब आपने यहाँ पे, अब देखिए हम जरा कुछ चीज़ें ना एडवांस पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, तो इसको पढ़ने के दौरान एक तो आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होकर आपको इन्हें सीखना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, प्रोफेशनल हैं, सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं होस्टिंग खुली हुई है इस वक्त आपके सामने, और यही बता रहा हूँ कि कैसे अटैच होना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपके अपने माइंड क्या कहते हैं उसके दिमाग की बत्तियाँ ज़्यादा खोल रही हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए, और टारगेटेड होकर चीज़ों को जो चीज़ समझ रहे हैं फोकस उस पर रखें, स्ट्रांगली फोकस उस पर रखें, फिर समझ में आएगा कि हम बात क्या कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अब मैं जो बात बताने लगा उसको आपने देखना है जी। ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ishaqihospital.com, हाँ, ये मैंने डोमेन परचेज की और इसकी होस्टिंग मुझे मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि वेब सोल की जो मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ वो इसके साथ अटैच है, तो इस डोमेन को किसी ना किसी तरीके से तो बताया गया होगा ना कि भाई तुमने कौन सी होस्टिंग यूज़ करनी है, क्या ख्याल है, कोई ऐसा मैसेज तो इस डोमेन को दिया है जिससे पता लगे होस्टिंग कौन से वाली है, वो कौन सा मैसेज है और उससे कैसे पता लगता है। देखें जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ है ishaqihospital.com, इस वक्त मैं होस्टिंग में नहीं हूँ, इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मैं डोमेन पर हूँ जो मैंने डोमेन बाय की हुई है, इस पर क्लिक करें,
ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज नेम सर्वर, सबसे शुरू में लिखा हुआ आ रहा है मैनेज नेम सर्वर। इसका क्या मतलब है? दो सर्वर आ रहे हैं, बेसिकली ये उन दो कंप्यूटर्स का एड्रेस है जहां पर हम होस्टिंग लेकर अपनी वेबसाइट स्टोर की हुई है। समझ आई बात? आपका लॉगिन बना हुआ है लैब में, उधर एक मेन सर्वर उन्होंने बनाया हुआ है, उधर बनता है ना लॉगिन आपका, उसके बाद जितने भी लैब में कंप्यूटर्स हैं आप उनके ऊपर अपना अकाउंट खोलते हैं। जिस दिन सर्वर खराब हो जाएगा आपका लॉगिन होगा नहीं होता? नहीं होता ना, पहले सर्वर ठीक होता है फिर ही लॉगिन होता है। तो बेसिकली ये वो दो कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स के उन्होंने एड्रेस दिए हुए हैं आपको जहाँ पर आपकी वेबसाइट स्टोर है। अब ये दो क्यों है एक क्यों नहीं है? इसलिए एक नहीं है कि भाई जब अगर कोई एक सर्वर किसी वजह से डाउन हो तो शिफ्ट कर जाएगा दूसरे पर और उसको ठीक कर लेंगे और फिर वापस उस पर ले। सो बेसिकली ये एक दो लाइनें हैं जिनसे हम बता रहे हैं उसको कि भाई डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एड्रेस है ये हर कंपनी का चेंज होगा ना। अगर इस वक्त हम वेब सोल की बात कर रहे हैं तो ये एड्रेस है, हो सकता है मैं आई टी लिंक्स की बात करूँ तो उनका एड्रेस दूसरा हो, मैं किसी और कंपनी की बात करूँ तो दूसरा हो। तो करना क्या है, मतलब इधर तो ये थी ना होस्टिंग। मैं कहता हूँ अब मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ और मैं इनमें से ना इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक को कर लेता हूँ फिलहाल। एक को मैंने कॉपी कर लिया, यानी मुझे पता लग गया कि ये वाला सर्वर है जो मेरे पास फ्री होस्टिंग में मौजूद है, ठीक है, और ये मैं अपनी किसी उस डोमेन को लगा सकता हूँ जिसमें मेरे पास होस्टिंग नहीं है। तो मैं इस सर्वर को कॉपी कर लूंगा, दोनों को, फर्स्ट सर्वर के एड्रेस को भी और दूसरे को भी कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं उस डोमेन पर चला जाऊंगा, डोमेन पर मैं क्या उस डोमेन पर चला जाऊंगा जिसमें मेरे पास होस्टिंग नहीं है। नहीं मौजूद है तो चल रहा है, तो कुछ सब कुछ हाल है, क्या प्रॉब्लम है, होस्टिंग भी है सब कुछ, प्रॉब्लम क्या हमारा, खुश है हम भी, वो भी खुश है, मतलब ऐसी जिसकी हमने होस्टिंग परचेज नहीं की हुई। तो मैं उनके डोमेन में जाकर ये वाले एड्रेसेस पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन को पता लग गया कि भाई मैंने डाटा कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। सो पहला स्टेप तो ये करते हैं, अब कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी डोमेन के साथ होस्टिंग अटैच कर रहे हैं, समझ आइए, अपनी डोमेन के साथ होस्टिंग अटैच कर रहे हैं। मुश्किल बातें हैं ना, वापिस आ जाए सर, मिसाल ले लेते हैं, मिसाल ये लेते हैं कि जैसे ये इसहाक आई है ना, यहां पर होस्टिंग नहीं है लेकिन ये डोमेन तो है मेरे पास, डोमेन परचेज की हुई है मैंने, होस्टिंग बाय नहीं की हुई, होस्टिंग इसहाक आई हॉस्पिटल की बाय की हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ डोमेन है, अगर मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट अपलोड करना चाहूँ तो मुझे होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास इसहाक आई हॉस्पिटल की होस्टिंग मौजूद है तो मैं उसी के नेम सर्वर यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करने हैं आपने, सेम वही तरीका, क्या करूंगा यहां से आके क्या करूंगा, यहां पर आकर पेस्ट कर दूंगा, मैं कह यहां पर आकर वो वाले सर्वर पेस्ट कर दूंगा जो मैंने होस्टिंग बाय की हुई है, बस पहले वाला पहले में, दूसरे वाला, यानी कि ये सारा काम करने का दो प्रोसेस है, दो स्टेप है, उनमें से एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या, ये अटैचमेंट तो हो गई, ये अटैचमेंट जब आप करोगे तो 24 to 78 आवर्स लगते हैं इसे अप्लाई होने, ठीक है। अब वेबसाइट भी तो अपलोड करनी है, अभी तक हमने वेबसाइट तो नहीं अपलोड की, अब वेबसाइट अपलोड करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, isaakaihospital.com पे उधर ही जाना पड़ेगा ना। अब उधर जाकर उसे कैसे पता लगेगा कि मैंने इसको भी इस्तेमाल करना है, तो उधर जाकर आपने क्या करना है, फिर एडिट डोमेन बनानी पड़ेगी ना, तो एडिट डोमेन भी वैसे ही बनेगी जैसे सब डोमेन बनती है, ओके। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊंगा, फिर दोबारा से सब डोमेन पे जाऊंगा और isaakai.com के नाम से एक सब डोमेन बना दूंगा, बन गई, जैसे ही बनी फोल्डर भी बन गया, यही देखा ना अभी हमने, डोमेन भी बनी थी फोल्डर भी बना था। अब हमने क्या करना है,
अब हमने अपनी वेबसाइट को वही काम करने जो भी किया है, वो जो सब डोमेन वाला काम था वो सारा रिपीट कर देना, वो एडमिन वाला रिपीट कर देना। हाँ जी, और आप देख रहे हैं सी पैनल में एडमिन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, वहां पर कौन सा ऑप्शन है, सब डोमेन का ऑप्शन है। यानी कि बना के आ रहा हूँ मैं एक एडमिन डोमेन, लेकिन किस तरह बना रहा हूँ, सब डोमेन को इस्तेमाल कर। यानी चाहे आपने एडिंग डोमेन बनानी है या चाहे आपने सब डोमेन बनानी है, दोनों सूरतों में ही आपको सब डोमेन बनानी है। फर्क क्या होगा कि एडिंग डोमेन मेन डोमेन सब डोमेन मेन डोमेन के अंदर चलेगी और एडिंग डोमेन क्या चलेगी, अलहदा से चलेगी। यानी कि वो सब डोमेन के अंदर इंडिपेंडेंट डोमेन के तौर पर चलेगी, लेकिन जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा। अब अगर मैं इधर आऊं वापस सी पैनल में, देखें जरा डोमेन्स में आए और यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सब डोमेन्स। खुल रहा है, नीचे देखें आकर एक वेबसाइट आ रही है लामा पी शफात रसूल डॉट इसहाक, यहां पर ये सब डोमेन लग रही है ना, यहाँ सब डोमेन नहीं लग रही है आपको ये। इसके बाद एक नीचे वेबसाइट आ रही है नजीब सॉल्यूशंस डॉट इसहाकई हॉस्पिटल डॉट कॉम, ये भी यहाँ पर सब डोमेन लग रही है। इसे खोलकर देखें, देखें मैं लिख रहा हूँ नजीब सॉल्यूशंस, एंटर करता हूँ मैं, देखते हैं क्या खुलता है। ऊपर देखें क्या खुला है, डोमेन खुली है कि सब डोमेन खुली है, स्क्रीन पर देखें डोमेन खुली है। सो बेसिकली वहां पर क्या शो हो रही थी है? सब डोमेन, लेकिन ये है इंडिपेंडेंट डोमेन, इसलिए कि नजीब सॉल्यूशंस डॉट कॉम हमने डोमेन परचेज की हुई है, तो इसको हमने उसकी होस्टिंग में इस्तेमाल किया एज ए सब डोमेन। यानी कि जब हम बनाएंगे तो एज ए सब डोमेन बनाएंगे, लेकिन चलेगी वो इंडिपेंडेंटली डोमेन के तौर पर, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो सब डोमेन हमें वहां नजर आ रही थी वो कौन सी थी, अलामा पी शफात रसूल डॉट कॉम, ठीक है जी। ये भी कैसे खुली है देखें, कैसे खुली है मेन डोमेन के तौर पर, लेकिन जब वहां बनी हुई है नजर आ रही थी तो वहां पर ये कैसे नजर आ रही थी हमें, सब डोमेन। ये वो काम है जो अगर आप किसी होस्टिंग की कंपनी में जॉब करेंगे तो ये सारे काम आपको समझ होने चाहिए और आने भी चाहिए। कोई भी बंदा अगर आपको होस्टिंग की कंपनी में रखेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई कभी ये वाले चीज़ों पर आए हैं, काम किया है यहाँ पर आकर, कैसे सब डोमेन बनती है, डोमेन कैसे बनती है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन को होस्टिंग से कैसे अटैच करते हैं, अनअटैच कैसे करते हैं। अटैच करना आ गया तो अनअटैच करना भी आ गया ना, क्या ख्याल है? मतलब अगर अटैच करने का एक तरीका है तो अनअटैच करने का कोई दूसरा तरीका तो नहीं होगा ना, वहाँ से जाकर हटा देंगे सर्वर्स को तो अनअटैच हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। समझ आ गई बात की? यार एक ग्लास पानी और एक चाय। आपकी अटेंडेंस ले लें पहले।